Hello everyone, I'm Ekta. Welcome back to another study vlog. Today's video, I will try to answer some of your questions. So many of you want to know about my background. So I was born in Uttar Pradesh, Gorakhpur and brought up in Delhi. So my whole schooling was in Delhi. After that, I took a 12th in humanities stream, which is known as arts. So after that, I did my graduation from DU. I graduated in 2020 with the BA program degree with my discipline as history and political science. So here I'm at home and going through my optional. So this is a new sector, you can see. So this was another room in my house which is used as a storeroom. So isko maine thoda saaf waqf karke apne padhne layak banaya. So I shifted here. Previously I was sharing my room with my sister. So वहाँ पर cats भी रहती है, so it was a little bit distraction. Coming back to the questions again, second most repeated question I came through is when is my attempt. So I gave my first attempt in 2023 where I couldn't able to clear prelims. So the upcoming prelims, which is in 2024, will be my second attempt. So when you live in Delhi, COVID or no COVID, you need a mask, which is kind of a mandatory thing. और विंटर में तो और भी ज़्यादा ड्यू टू पोल्यूशन लेवल हमेशा ही हाई रहता है. और अब तो दिल्ली नहीं, अभी तो न्यूज़ में काफ़ी और भी सिटीज़ आ गई हैं पोल्यूशन लेवल पे, लाइक कोलकाता भी आ गई है. वेल, काफ़ी लोग नहीं भी लगाते हैं मास्क, बट मैं नहीं अफोर्ड कर सकती बिकॉज पूरे दिन हेडेक हो जाता है अगर नहीं लगाओ तो, एंड आई कांट अफोर्ड इट. सो या, दैट्स वाई मैंने एक एलोवेरा प्लांट भी रखे हुए हैं अपने रूम में. सो दिस एलोवेरा प्लांट लिस्टेड ऑन नासा टॉप एयर प्योरीफाइंग प्लांट. सो इसे एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी कहते हैं. इट रिलीजेज ऑक्सीजन एक्चुअली एट नाइट, सो इट्स वेरी गुड फॉर योर स्लीप एनवायरमेंट. तो बेडरूम में एक एलोवेरा प्लांट तो रखना चाहिए. इट्स मेनी पीपल आस्क मी अबाउट माई इंस्टा आई डी एंड टेलीग्राम आई डी. सो हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि दिस प्लेटफॉर्म दैट यूट्यूब आई एम मेकिंग वीडियोज़, तो इनका कमेंट सेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए, अपनी क्वेरीज पूछने के लिए. मैं उसको पढ़ ही लेती हूँ. एंड ऊपर से आई ऑल्सो मैंशन माई ईमेल आईडी, जहाँ पे अगर ऐसा कुछ है जो आप पर्सनली ऐसे पब्लिकली नहीं पूछना चाहते तो आप वहाँ पर ईमेल कर सकते हैं. मैं उसका रिप्लाई कर ही देती हूँ एज सच. ठीक है, ऑल रेलिवेंट क्वेरीज विट एवर यू आस्क मी, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर से करती हूँ. तो रही बात इंस्टा टेलीग्राम एंड एवरीथिंग, सो दीज आर माई पर्सनल स्पेस. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैंने कई बार इस बात को बोला है और मैं एक बार फिर इसको एम्फसाइज करना चाहूँगी कि आई एम जस्ट अ नॉर्मल एस्पेरेंट्स लाइक यू. और एज यू सी कि मैंने ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं कर लिया कि मैं अभी एडवाइस देने के उस पर हूँ, बट मैं एज अ जनरल फ्रेंड की तरह आपको बता देती हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मतलब मैं क्या समझ रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व तो कर ही रही हूँ इस एग्ज़ाम को, तो इस वजह से मैं बता देती हूँ. बाकी आप उसको अपने तरीके से, अपनी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. मेरी क्या, आप किसी की भी तब सुना करिए अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग. तो कोई भी यहाँ पर एग्ज़ाम ऐसा है कि कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई भी एक स्ट्रेटजी यहाँ पर काम नहीं आने वाली, तो अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए. बाकी वापस से अगर रूम पे आते हैं तो मैं धीरे धीरे करके अपना रूम ठीक कर रही हूँ. सो प्लीज़ डोंट माइंड जो पीछे मेरा वाइट बोर्ड लटका हुआ है बेचारा एक कील पे. और साथ ही आई ऑल्सो कॉट कोल्ड, तो उसके लिए आई एम हैविंग दिस काढ़ा जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था. बस तो करंट अफेयर को लेके डाउट आया था, तो यार अगर अभी तक कुछ नहीं किया है करंट अफेयर्स को लेके, तो अब सिर्फ मैगजीन के अलावा है और या फिर कोई डेडिकेटेड कोर्स चल रहा हो करंट अफेयर्स को लेके, तो उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कोई ऑप्शन बचता है. करंट की उतनी चिंता करो जितनी ज़रूरत है, उसको स्टैटिक से लिंक करके पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम अब रिवीजन का टाइम स्टार्ट हो गया है. तो जब आप रिवाइज करो तो करंट में न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम या फिर करंट मैगजीन भी अगर साथ साथ में करो, तो जो टॉपिक वहाँ पर आया हुआ है ना उसको अपने स्टैटिक से ज़रूर अच्छे से पढ़ लो. भले करंट में एक पॉइंट आया हो, ठीक है, लेकिन उस टॉपिक को अपने स्टैटिक बुक से ज़रूर से कंप्लीट कर लो. सो दैट्स इट फॉर द टुडे, एंड आई होप कि मैंने थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपकी हैंडल कर ली हो इसमें. टिल देन कीप स्टडिंग, विल मीट सून विद द न्यू व्लॉग. बाय.